Hey guys, assalamualaikum, welcome back to my new vlog और this video. So guys, मैं मोमिन आप लोगों का दोस्त. तो भाई करते हैं आज के दिन की शुरुआत. सो भाई अभी टाइम आ रहा है 3:53. गाइस एक सेकेंड आप चेक कर लो भाई. 3:53 को फोकस हो गया. 3:53 टाइम आ रहा है सुबह के. तो भाई एक्चुअली रात भर तो नींद नहीं आ रही थी. Due to some reasons, I don't know what is the issue भाई. मुझे नहीं पता है क्यों नहीं आ रही थी. अब मैं भाई सोने की बहुत बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था लेकिन भाई नींद नहीं आ रही थी. बस अब एक मसला है कि भाई मैं कमेंट्स पढ़ रहा था. हमारे ब्लॉग पे एक कॉमेंट आई है किसी लड़की ने की है भाई. नाम इधर लिखा है. नाम छोड़ो, रहने दो भाई. मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे भी होगी. भाई आपकी शक्ल और एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, सही, लेकिन व्लॉगिंग के स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ. आप डिसेंट व्लॉगिंग करो. आप ये छपरी व्लॉगिंग छोड़ दो, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा. तो भाई पहली बात, मेरे हिसाब से पहली बात इसको इसके हिसाब से भाई इंसान की, हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग होती है. मैं कुछ कह नहीं सकता इसके हिसाब से. इसको लगा होगा कि मेरी, मैं एक छपरी टाइप की व्लॉगिंग करता हूँ या जो भी. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे हिसाब से जितने भी लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, डेली व्लॉगिंग मैं करता हूँ भाई. पहली बात तो डेली व्लॉग करना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मुश्किल है. बहुत ज़्यादा मुश्किल इन द सेंस भाई, जितना इंसान को लगता है ना आसान है भाई. एक टाइम पे मुझे भी लगता था भाई डेली व्लॉग्स बनाए करेंगे वो कितना टफ है भाई, दिन में भाई. लेकिन बहुत टफ है, मुझे पता है भाई. मेरा सीन क्या होता है भाई, सुबह उठना, खाना पीना, फिर फोन पकड़ना, व्लॉग स्टार्ट करना, फिर कंटेंट ढूंढना, उसमें कुछ फन होना चाहिए. उसके बाद भाई फिर क्या करना, सारा कुछ कवर करके भाई फिर एडिटिंग पे बैठ जाना भाई. एडिटिंग पे पता है कितना टाइम लगता है, क्या हो जाता है वो, ये वो भी आप छोड़ दो. अब दूसरा पॉइंट ये है कि भाई जैसा कि इसने बोला कि आप छपरी व्लॉगिंग करते हो, उस बात पे मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से भाई बहुत सारी कमेंट्स भी आती है कि मोमिन आपके व्लॉग से भाई माइंड फ्रेश हो जाता है, आप बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाते हो भाई. लेकिन मुझे सीन समझ नहीं आ रहा है इसको, हम छपरी, हमारे व्लॉग्स छपरी कैसे लगे भाई. तीसरी बात ये रही कि भाई एक्चुअली हम ना फिल्टरलेस है. फिल्टरलेस इन द सेंस भाई, अगर हमारे व्लॉग में भाई, व्लॉग आप छोड़ दो भाई, मैं लोगों को वो चीज़ दिखाता हूँ. मेरे हिसाब से पूरे कश्मीर J&K में, मेरे हिसाब से जितने भी व्लॉगर्स है भाई, वैसा भाई कोई दिखाता नहीं होगा जैसे कि भाई मैं दिखाता हूँ. दिखाता क्या हूँ भाई, अगर हम व्लॉग्स में भाई, अगर व्लॉग छोड़ो भाई, हम कहीं पे बैठे हैं भाई, कुछ हो जाए, सीन भी हो जाए भाई, हम चोरी कर ले आपस में भाई, गालियाँ दे, कुछ भी दे भाई, मैं सीधे व्लॉग्स में चढ़ाता हूँ अच्छे से भाई. क्योंकि भाई हम, हमारा सीन ही वैसा है भाई, हम दिखाते ही है भाई. एक्चुअली हम दोगले नहीं है भाई, डबल फेसड तो हम है नहीं कि अब आप लोग को दिखाएंगे हम, मतलब कैमरा पे एक दिखाए के और दूसरी लाइफ में दूसरे. भाई हम जैसे वैसे ही है भाई, सिंपली वही सब सीन दिखाते हैं, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते भाई, वही चीज़ दिखाते भाई, चाहे गालियाँ दे कुछ करे भाई, ऑन स्क्रीन करते भाई, ऑफ स्क्रीन हम भाई कुछ नहीं करते. और भाई और चौथी बात यह है कि भाई स्ट्रगल कितना किया है वो आप लोग तो देखते नहीं हो भाई, इंसान कहाँ से कहाँ पहुँचा वो आप लोग देखते क्या हो भाई. इंसान अगर कुछ गलती कर ले वो चीज़ नोटिस करते हो भाई. भाई जो इंसान की अच्छाई है वो आप लोग देखते नहीं हो भाई. स्ट्रगल मैंने अपनी लाइफ में भाई इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया वो मुझे पता है भाई. मेरे पास फ़ोन नहीं होता था मैं एक वीडियो क्रिएट कर लूँ भाई, दोस्तों के फ़ोन से भाई मैं वीडियो बनाता था भाई. हकीकत है भाई, मैं इस टाइम ये इसलिए कह रहा हूँ भाई, मेरा दिमाग थोड़ा घूम गया, आप तो क्या समझ रहे होंगे भाई. और भाई एक्चुअली आज पता है मैं कहाँ होता भाई, मेरे हिसाब से बहुत ऊपर होता, लेकिन कुछ इश्यूज़ हो गए. इश्यूज़ क्या हो गए भाई, एक्चुअली मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, मैं ही घर का सबसे बड़ा हूँ.
भाई अगर मेरा कोई बड़ा भाई होता जो मुझे भाई यहाँ से ऊपर उठाता, जो मुझे सपोर्ट करता, भाई मैं एक बात कहूँगा ये सबके लिए है भाई, चाहे कुछ लोग देख ले, भाई एक टाइप की मोटिवेशन दे रहा हूँ आप लोगों को, जो मुझे कहते भाई आपसे मोटिवेट होते हैं, कुछ भी भाई मेरे से मोटिवेट ही क्या हो जाओगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर भी आगे काम बताएगा कि ये भाई मैंने इतना स्ट्रगल किया है, इतना स्ट्रगल किया है भाई, जो मेरे अपने हैं ना, अपने भाई मेरे अपने ही भाई, अपने इर्द गिर्द के भाई, मोहल्ले वाले की बात करूँगा मैं आज, भाई मेरे मोहल्ले वाले भाई इतने जलील है भाई, सच कह रहा हूँ, मेरा भाई कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, मैं ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ भाई, डरता हूँ मैं सिर्फ ऊपर वाले से, ऊपर वाले के सिवा भाई मैं किसे डरता नहीं हूँ। मेरे मोहल्ले वाले भाई एक टाइम पे भाई जब मैं यहाँ पे किससे बात नहीं करता हूँ भाई, मोहल्ले वाले इतने कहते भाई इतनी बदनामी मेरी शुरू कर दी, वो ये वो करता है, ये करता है, भाई वो मुझे पता है और मेरे खुदा को पता है मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, सही हूँ या गलत हूँ, वो मुझे और मेरे रब को पता है भाई। तीसरा बंदा बीच में टांग क्यों डालेगा भाई। और जो यहाँ के अपने थे भाई पहले पहले तो भाई अपने होते हैं ना, अपने भाई अपने अपने नहीं होते भाई। मैं इतना कहूँगा अगर कोई अपना होगा फिर आपको बोलेगा भाई आपका फुल सपोर्ट है। अपना अपने ना भाई कभी खुश नहीं होते, अपने हर टाइम भाई गिराने की सोचते भाई, सोचते कि इस बंदे को कैसे गिराएंगे, मुंह पे बोलेंगे आपको हम आपके साथ है, तुम करो भाई, फुल सपोर्ट है, वो है ये है। लेकिन मैंने देखा है यहाँ का भाई जो मेरे एरिया के बंदे हैं भाई सब चूतिया है कसम से भाई, कोई कुछ क्या करे मुझे फेम ले डिफेम ले, मैं उस चीज़ से नहीं डरता हूँ भाई, मैं पहले से ही कह रहा हूँ भाई मैं शौक के लिए सब कुछ करता हूँ भाई, मेरा शौक है, जिस चीज़ का मुझे शौक लग जाता है जब तक पूरा नहीं करता हूँ तब तक छोड़ता नहीं हूँ भाई। बोले ये एरिया की बात कर रहा हूँ भाई, एक टाइम पे एरिया वाले बोलते भाई सपोर्ट करते भाई, मैं बोलूँगा ना अच्छा ना कहते हैं कि भाई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भाई कोई सपोर्ट करता है भाई, अपने से अच्छे ना गैर होते हैं कसम से भाई, ये बात याद रखना, लिख के रखना किसी भी नोट पे लिख के रखना भाई कि अपनों से अच्छे गैर होते हैं, क्योंकि भाई मैं बताऊंगा क्यों। देखो सिंपल सी बात, कॉमन सेंस हम यूज़ करेंगे, कॉमन सेंस यूज़ क्या करना है, देखो भाई मैं हूँ अनंतनाग का भाई, अब मेरे व्लॉग्स देखते भाई गांधरबल पुलवामा कुलगाम से भाई, कमेंट्स जिनकी मैंने लास्ट व्लॉग में पढ़ी थी, पुलवामा त्राल शुपेन बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है भाई, उनसे जो सपोर्ट आता है भाई उसको कहते हैं भाई प्यार इन द सेंस, ना मैं उनको जानता हूँ ना वो मुझे जानते हैं सोशल मीडिया, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं मतलब जिनसे मैं मिला हूँ मतलब सडनली किसी जगह पे, किसी टूरिस्ट प्लेस पे या वो होता है भाई रियल लव इन द सेंस भाई, वो किस डिस्ट्रिक्ट से होते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, मैं तो उनको नहीं जानता हूँ ना वो मुझे जानते, मतलब पर्सनली मैं बात कर रहा हूँ भाई, वो जो प्यार दिखाते हैं भाई उसको भाई सच्ची वो होता है भाई कुछ कमाया है आपने ज़िंदगी में भाई। फिर ये मोहल्ले वाले ये एरिया वाले वो भाई खुश नहीं होते, अपने भाई कभी खुश नहीं होंगे, ये भाई कभी किसी अपने से उम्मीद नहीं रखना कि ये मुझे अपना ये कुछ करेगा भाई, कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, बस खाली सपोर्ट करते हैं भाई गैर, अपनों से भाई गैरों पे भरोसा रखो भाई, ये बात, क्योंकि अपने भाई धोखा दे देते हैं भाई, जिनको हम अपने कहते हैं ना वो भाई छोड़ के जाते, जैसे भाई फॉर एग्जांपल क्या ये रियल बेस्ड है भाई, मेरी एक्स भाई उसको मैं अपना समझता था भाई, एंड में उसने क्या दे दिया भाई, धोखा दे के तो चली गई, वैसे ही भाई अपने से भाई गैर पे भरोसा करो भाई, ये भाई कहना चाहता हूँ भाई, और क्या ही कहूँ, मेरे हिसाब से बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन भाई मुझे ना रात में भाई बहुत सारा कुछ कहने के लिए होता है, लेकिन
जब भी मैं फिर कहना चाहता हूँ फिर मैं भाई सारा कुछ भूल जाता हूँ। एक्चुअली मेरी भाई याद आज बहुत भाई बहुत कमज़ोर बहुत ना बहुत ज़्यादा। चलो भाई मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।